अब सेकंड जो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, वो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड इनटू इट्स करस्पोंडिंग कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड दिया गया जहां कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो वहां से तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख ही लिया है, तो लेकिन जब अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया तो वहां से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कोवेलेंट बॉन्ड में। अब हम बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो ए एटम से अगर बी एटम फॉर्म हो रहा है, ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल, जो एरो सिंबल होता है ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल हो गया। तो जहाँ भी जो ये टेल ऑफ एरो होती है, जहाँ भी टेल ऑफ एरो होगी उस एटम को हम बोलते हैं डोनर एटम, और जहाँ हेड ऑफ एरो होता है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। ठीक है, तो जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ए और बी ये लिख रहे हैं, तो जो डोनर एटम होगा उस पर आ जाएगा हमारे प्लस वन चार्ज, और जो एक्सेप्टर एटम होगा उस पर आ जाएगा हमारा माइनस वन चार्ज। मतलब कि हमने जो डोनर है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब कि वो अपना चार्ज दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अब कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, ये बॉन्ड अभी तक टूटा नहीं है। अब अगर इस बॉन्ड को तोड़ने की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इसमें दो केस बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है, तो उस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। एक प्लस वन चार्ज तो था ही, या माइनस वन ऑलरेडी था उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने पे हमारा यहाँ क्या आया, यहाँ माइनस वन आया और यहाँ प्लस वन आया। ठीक है, इसका एलजेब्रिक सम किया, प्लस वन प्लस में माइनस वन, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हमारी ज़ीरो, और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी हमारी ज़ीरो। ठीक है, अगर दूसरा केस लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब यहाँ अब हमने देखा है कि बी जो हमारा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो ए बी बॉन्ड है तो ये प्लस वन और माइनस वन ऑलरेडी है, अब जब बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इस पर माइनस वन आया, इस पर प्लस वन आया, तो अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी प्लस टू, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी माइनस टू। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिपेंड करेगी। अब ये देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की जीरो आई है, लेकिन दोनों एटम्स सिमिलर नहीं है, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो एटम्स का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसकी उनका, अगर उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आ रही है तो वो दोनों सिमिलर एटम हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर हुआ है जिसकी वजह से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आ रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोऑर्डिनेशन को पहले कोवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकालनी है। हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का भी देख लिया है, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी रेंज के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम देखते हैं वो देखते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, कि जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता हमेशा कि किसी एक एटम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं जिनकी एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, प्लस टू प्लस थ्री, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, तो उसकी हम देख रहे हैं रेंज, मतलब कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट बिलोंग्स टू, इट इज़ बिलोंग्स टू
मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि मिनिमम मैक्सिमम की जो रेंज है इसके बीच में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी. ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है. अगर हम बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये ई जो है ये बिलोंग्स टू है, जो हम मैथ्स में पढ़ते थे ना कि एक ये रेंज है, तो ये अगर डबल ब्रैकेट लिखा है तो मतलब इंक्लूडिंग दीज टू, मिनिमम और मैक्सिमम को इंक्लूड करके इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे उनमें से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है उसकी. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम के जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 8. ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज याद रखो, मतलब ध्यान में रखो कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम माइनस 8, और मैक्सिमम क्या होगी हमारी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5. ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, प्लस 5, क्योंकि मैक्सिमम तो हमारी क्या होती है, हमेशा प्लस में जाएगी ना, क्योंकि कभी नेगेटिव तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती है, नेगेटिव तो हमेशा मिनिमम होती है. और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारी, 5 - 8, दैट इज -3. तो जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो कितनी आ गई, -3 और +5. ऐसे ही हम सारे एटम्स की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं. सिमिलरली फॉस्फोरस की भी यही आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी यही आ जाएगी. ठीक है, अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज देख ली है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना देखेंगे. हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन. अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन की, कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर भी हमारे दो केस हो सकते हैं. ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हमारे पास व्हेन फॉर्मूला इज गिवन, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकते हैं इसको हम, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, और सेकंड केस हम देखें व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन. कोई भी कंपाउंड है उसका अगर हमने उसने फॉर्मूला दे दिया या फिर स्ट्रक्चर दे दिया, तो हमारे पास दो चीज़ आ गई कि हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता, तो उससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. लेकिन जब हमें स्ट्रक्चर पता है तो उससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. लेकिन जब हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है तो वहाँ से जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ये होती है हमारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये क्या हो सकती है, इट कैन बी इनकरेक्ट और करेक्ट. ये कभी कभी सही भी होती है और कभी कभी गलत भी निकलती है. कि फॉर्मूला से जो भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा उनका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसी लिंकेजेस हो रही है उसके बेसिस पे वो कभी कभी सही हो जाती है, कभी कभी बाय चांस सही हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकती है. तो कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि उससे कभी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट गलत भी आ सकती है. और जब स्ट्रक्चर दिया हो हमारा तो
हमारी क्या होती है, हमेशा करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि कभी कभी करेक्ट होती है कभी कभी नहीं होती है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं H2SO5 का, H2SO5 का, ठीक है। H2SO5 का एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है इस पर हम कितना चार्ज देखते हैं, हाइड्रोजन पे आता है हमारा +1 चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितना आता है -2, -2 चार्ज आया, तो सल्फर की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सल्फर की क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 × +1 ऑक्सीजन प्लस एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस -2 × 5 = 0। ओवरऑल कंपाउंड को तो क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा ना मॉलिक्यूल को, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी सारियों को मिला के तो हमेशा उसको जीरो ही बनना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ, 2 × 1 दैट इज +2 प्लस एक्स, और ये कितना 5 × -2 दैट इज -10 = 0। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, 10 − 2 दैट इज 10 − 2 दैट इज आ गया +8। तो हमारे पास जब फॉर्मूला दिया गया है तो उससे हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली सल्फर की, तो हमारे पास कितनी आ रही है +8। लेकिन सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, सल्फर कौन से वाले, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में लाई करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मैक्सिमम, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने अभी रेंज देखी थी ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कैसे वेरी करती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। तो मतलब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही जब 6 है, तो यहाँ इसकी +8 कैसे आ सकती है, तो मतलब इसका ये क्या हुई हमारी गलत ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। तो अगर हमारी, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज मोर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारी हो जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कि इस सल्फर की हमने कैलकुलेट करी थी +8, लेकिन इसकी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम इसकी +6 पॉसिबल है, ठीक है। जब इसकी +6 मैक्सिमम ही पॉसिबल है, तो अब इसकी एक्चुअल में कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो जाएगी, मतलब इसकी एक्चुअल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +6। ये किस में प्रेजेंट है, +6 में, ठीक है। तो यही हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली लेकिन वो क्या आ गई हमारी इनकरेक्ट आ गई। वही अगर हम बात करें स्ट्रक्चर से, अब H2SO5 का स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर, ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर। तो अब इसमें इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हमें सल्फर से लेना देना है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि सल्फर की निकाल रहे हैं, तो जो सल्फर से रिलेटेड बॉन्ड्स जितने हैं उन्हीं को तोड़ते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये आया -1, और सल्फर पे क्या आएगा +1। इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये क्या आ जाएगा, ये -2 और ये +2। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये +1। इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये आ जाएगा -2 और ये +2, ठीक है। तो ये आया हमारा +1 + 2 + 1 + 2। अभी इन चारों के एलजेब्रिक सम को लेंगे, एलजेब्रिक सम को लिया तो ये क्या आया +6। तो मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी +6। तो ये क्या है हमारी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज आर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वी कैन से दैट व्हेन द स्ट्रक्चर इज गिवन, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं उससे जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वही हमारी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो हमेशा सही होती है। और लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कभी कभी वो सही आ सकती है, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकती है। तो ये अब हमने देख लिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रही थी वो हमारी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी। तो
लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? अब स्ट्रक्चर को निकालने का हम तरीका देखेंगे कि स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी फॉर्मूला जो हमें गिवन है उसका हम स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर दिया गया है हमें, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला दिया गया है तो उसका हम स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की। हम बात करें अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की तो उसमें हम देखते हैं कि जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन मतलब जो फॉर्मूला से ऑक्सीडेशन स्टेट आई है उसे हम बोल रहे थे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, हम कैलकुलेटेड भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम तो हमें पता ही होती है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमारे पास वहाँ पे उस मॉलिक्यूल में आएगी परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज मतलब कैसी लिंकेज? ये वाली लिंकेज आएगी। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी? ऑक्सी लिंकेज आएगी, मतलब ये हमारी होगी ऑक्सी लिंकेज, मतलब कि दो मेटल उसके दो मेटल आयन्स के बीच में जो हम जो भी दो मेन एटम्स होंगे, सेंट्रल एटम्स होंगे, उनके बीच में यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज आ रही है, मतलब दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो दो सेंट्रल एटम्स के बीच में जहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है तो हमारे वहाँ आएगी ऑक्सी लिंकेज। तीसरा हम बात करेंगे तो बात करें कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे क्या होगा? यहाँ होगा डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा, मतलब कि दो दो सेंट्रल एटम्स हैं उन दोनों का डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज मच मच लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मच लेस देन कि यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ काफ़ी डिफरेंस है अगर उन दोनों स्टेट्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, कि डबल भी फॉर्म हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर हम देखें, एग्जांपल लेते हैं दो तीन जिन पे हम देखेंगे कि उनके अंदर किस टाइप की लिंकेजेस आएंगी। अब सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं H2SO5 का ही, जो भी अभी हमने एग्जांपल देखा था H2SO5 का। ठीक है, H2SO5 का देखते हैं, तो इसकी हमने कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, यहाँ टेबल ही बना देते हैं एक, यहाँ इसकी कैलकुलेटेड, यहाँ आई मैक्सिमम, और उसके बाद एक हमारी आई थर्ड आई लिंकेज की। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने H2SO5 का, तो जो पहले हमने अभी भी एग्जांपल सॉल्व किया था तो उसमें उसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? प्लस 8 आई थी। ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है सल्फर की, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम क्या है हमारा? सल्फर है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल है? प्लस 6। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ हमारी कौन सी लिंकेज होगी? परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे हमारी आएगी परऑक्सी लिंकेज। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड हम बात करते हैं H2SO8 की। अगर हम बात करें H2SO8 की बात करते हैं तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसको अगर हम निकालें तो क्या आएगा? हाइड्रोजन की कितनी होती है? प्लस 1। ऑक्सीजन की कितनी होती है? माइनस 2। ठीक है, तो 2 × +1 + 2 × x
कि दो सल्फर एटम्स हैं प्लस 8 इंटू टू दैट इज 8 इंटू माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये कितनी आई 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू जीरो. तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 16 माइनस 2 बाई 2. लेकिन 16 माइनस 2 इज 14, 14 बाई 2 इज 7, तो प्लस 7. तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है हमारी प्लस 7. यहाँ पे भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है हमारी प्लस 7. तो इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई प्लस 7 और मैक्सिमम कितनी होती है सल्फर की प्लस 6. तो यहाँ पे भी लिंकेज क्या होगी परऑक्सी लिंकेज होगी. ठीक है कि मतलब जो तो दोनों सल्फर एटम्स हैं उनके बीच में इस टाइप की लिंकेज आएगी, ये परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी. ठीक है तीसरा अगर हम बात करें CrO5 की, किसकी बात करते हैं हम CrO5 की. तो CrO5 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहाँ से ऑक्सीजन की कितनी है माइनस टू, ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस टू और क्रोमियम की कितनी हो जाएगी x प्लस माइनस टू इंटू फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से x कितना आया हमारा 10. तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस 10 और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है ये हमारा कौन सा है 6 ग्रुप में लाई करता है. तो 6 ग्रुप वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6. तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की भी प्लस 6 होती है. तो यहाँ भी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है मैक्सिमम से. तो यहाँ भी हमारी कौन सी होगी परऑक्सी लिंकेज होगी. तो यहाँ भी हमारी क्या आ जाएगी परऑक्सी लिंकेज आ जाएगी. तो CrO5 की हमने देखी कि इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आई प्लस 10 और मैक्सिमम पॉसिबल है प्लस 6. तो यहाँ पे भी आ गई परऑक्सी लिंकेज. तब हम देखेंगे कि यहाँ तीनों में परऑक्सी लिंकेज आ रही है लेकिन कहाँ पे कहीं पे सेंट्रल एटम एक है कहीं पे दो है कहीं पे कोई साइड एटम नहीं है. तो उसके बेसिस पे हमारी परऑक्सी लिंकेजेस वेरी करेंगे कि मतलब नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेजेस वेरी करेंगे. तो इन सब कंपाउंड्स के अंदर अभी हम देखेंगे अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ परऑक्सी लिंकेजेस. तो अभी तो ये हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए परऑक्सी लिंकेज वाले. अगर हम एक कोई और एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल हम देखते हैं कि H4P2O7. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें H4P2O7 तो इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसकी कितनी आएगी 4 इंटू प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू दैट इज 7 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये कितनी आ गई 4 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x कितना आ गया 14 माइनस 4 बाय 2 दैट इज 5. तो इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लस 5 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आ गया फॉस्फोरस कौन से आ गया नाइट्रोजन वाले में. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस 5 हो गई. तो हमारी यहाँ क्या आ रहा है कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये हमारा केस हो गया जब हमारे यहाँ होगी ऑक्सी लिंकेज. ठीक है तो डिफरेंट एग्जांपल्स में सबसे पहले हम ऑक्सी लिंकेजेस निकाल लेंगे फिर अगर यहाँ सब में परोक्स जैसे इन सब में परोक्सी लिंकेजेस आ रही है तो नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेजेस डिपेंड करती है कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे और उन सब पे. तो वो अभी हम निकालना सीखेंगे कि नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेजेस कैसी है और इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है.